आज मैं पान का आइसक्रीम बनाऊंगी, तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए मैं क्रीम ले ली हूँ और ये बहुत ठंडा क्रीम है। और यहाँ पे एक मैं बर्तन ले ली हूँ और ये क्रीम को इसमें डाल दूंगी। और इसको फेंट लेना है। देखिए इसको इस तरह से फेंट लेना। और यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे 5 पान ले ली हूँ। और ये देखिए और बनारस में ये इसका जो डंठल होता है यहाँ पे कट करके देते हैं। और ये देखिए धो के रखी थी इसको, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और बारीक बारीक इसको इस तरह से कट कर लेंगे। हो गया है। अब ये देखिए मिक्सी का जार में ले रही हूँ और इसको ये पान को मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी 3 चम्मच सौंफ। तो ये देखिए ये 3 चम्मच है, इसको इसमें डाल देंगे। और ये 2 चम्मच मैं यहाँ पे नारियल का पूरा ली हूँ, इसको भी इसी में डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं ली हूँ गुलकंद, ये देखिए गुलकंद ली हूँ और इसको इसी में मैं 2 चम्मच डालूंगी। नहीं डालेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी इसको पीसने के लिए, बस अब नहीं डालना है। और इसको इस तरह से अभी जा रही हूँ इसको पीस लूंगी। ये देखिए ये सभी को मैं पीस ली हूँ और ये देखिए पीस के तैयार है। और ये क्रीम ले ली हूँ, अभी ये क्रीम में इसको निकाल लेना है। इसको फेंट लेते हैं। और यहाँ पे मैं 1/2 कटोरी पिसा हुआ चीनी ले ली हूँ, इसको भी इसमें डाल देना है। इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से ये कटा गया है, इसको फेंटती हूँ। अब इसको एक डब्बे में डाल दूंगी। देखिए
इसको इस तरह से बंद करूँगी और इसको 6 से 7 घंटे के लिए मैं इसको फ्रीजर में रखने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 6 घंटे के बाद इसको फ्रीजर में से निकाल दी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा ये जम के तैयार है। अब ये देखिए इसको मैं इस तरह से निकाल लूँगी। इसको मैं पान के ऊपर रखूंगी। अब इस पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेरी रख दूंगी। टूटी फ्रूटी, ये देखिए पान का आइसक्रीम बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और पान का आइसक्रीम आप एक बार घर पे ज़रूर बनाइएगा।